अब यहाँ पर आगे प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 6 और छंद पैराग्राफ नंबर 9। अब आदि में कहे गए सम्यक दर्शन के लक्षण का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। आपने कह दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, लेकिन हमको ये समझ नहीं आया ये सम्यक दर्शन क्या है। तो आचार्य कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम्, तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम्। अब पूज्यपाद देव कहते हैं इस शब्द को समझो, इसमें एक एक शब्द को छंद पैराग्राफ नंबर 10। तत्व शब्द भाव सामान्य का वाचक है, भाव वाच्य में तत्व शब्द का प्रयोग होता है। पना किसी भी वस्तु का रस, किसी भी वस्तु का सार, उसे कहते हैं तत्व। आप कहते हैं इसमें तत्व क्या है, मतलब इसका भाव क्या है, इसका सार क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, उसे कहते हैं तत्व। क्योंकि तत्व यह सर्वनाम पद है और सर्वनाम सामान्य अर्थ में रहता है, अतः उसका भाव तत्व कहलाता है। सर्वनाम आप जानते, किसी को जैसे आपने बोला विनीता जी इधर आओ और उन्होंने सुन लिया, अगर नहीं सुना एक बार उनका नाम बोल दिया, उसके बाद क्या बोलोगे आप या वह, तो ये कहलाएंगे सर्वनाम। तो इसलिए ये तत्व जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द है। यहाँ तत्पद से कोई भी पदार्थ लिया गया है, कोई भी पदार्थ है, ध्यान से सुनो, मात्र सात तत्वों का अर्थ एक ही नहीं है कि अकेली मात्र आप जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश आदि को ही ग्रहण करो, कोई भी जो कुछ है सब यहाँ पे ग्रहण है। वास्तविकता यह है कि उन जीव पुद्गल आदि को छोड़ के और कुछ बचेगा ही नहीं, वहीं पे सब कुछ ग्रहण हो गया, उसके अलावा आप कुछ बचा ही नहीं है। जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये जो हैं ये ही यहाँ पर ग्रहण कर लिए, या जीव अजीव आश्रम वंद संबर निर्जरा मोक्ष, चाहे इनको ग्रहण कर लो, सब कुछ यहाँ पर ग्रहण हो गया। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, यहाँ तत्पद से कोई भी पदार्थ लिया गया है। आगे आश्रय यह है कि जो पदार्थ जिस रूप से अवस्थित है उसका उस रूप होना ही होना, यही तत्व शब्द का अर्थ है। ठीक है, जो भी वस्तु जिस रूप में अवस्थित है उसका वही जानना, इसका नाम तत्व है। जैसे जीव जीव है ऐसा जीव को जीव रूप में जानना, अजीव अजीव है उसको अजीव रूप में जानना, पुद्गल पुद्गल है उसको पुद्गल रूप में जानना। इसकी चर्चा हमने जब द्रव्य संग्रह पढ़ा तो आपको बहुत अच्छा समझाया था, पुद्गल अलग है अजीव अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। सारे अजीव पुद्गल नहीं होते, लेकिन सारे पुद्गल अजीव होते हैं। ठीक है, इसके विषय में फिर आगे और चर्चा करेंगे। अर्थ शब्द का व्युत्पत्ति लव्य अर्थ है, आयते निश्चयते इति अर्था, जो निश्चय किया जाता है वह अर्थ है। जिसका क्या होता है, निश्चय होता है, निर्णय होता है कि यह है। इस प्रकार यहाँ तत्व और अर्थ इन दोनों शब्दों के संयोग से तत्वार्थ शब्द बना है, जो तत्वेन अर्था तत्वार्था ऐसा समास करने पर प्राप्त होता है, अथवा भाव द्वारा भाव वाले पदार्थ का कथन किया जाता है, क्योंकि भाव वाले से अलग नहीं पाया जाता। किसी भी वस्तु का जो भाव है वो उस वस्तु में ही पाया जाएगा, ऐसा नहीं होता कि वस्तु अलग कर दो और भाव अलग कर दो, ऐसा होता है क्या, तो ऐसा नहीं होता। जो भाव है वह किसी ना किसी भाव वाले में ही पाया जाता, अर्थात किसी ना किसी वस्तु में पाया जाता। ऐसी हालत में इसका समास होगा तत्वम एव अर्था तत्वार्था, तत्व का तत्वार्थ का श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान कहलाता है, उसे ही सम्यक दर्शन जानना चाहिए। हर तत्व का अपना भाव है और जिस तत्व का जो भाव है उसी की श्रद्धा करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। जो वस्तु जिस रूप में है, जो जिस रूप में है उसे उस रूप में स्वीकार करना, उसे उस रूप में ग्रहण करना, उसे उस रूप में मानना, उसे उस रूप में विश्वास करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। उनके अस्तित्व को समझो, इनका अस्तित्व क्या है,
उनके अस्तित्व को जानो कि इनका अस्तित्व क्या है, इसको अच्छी तरह इस प्रकार से समझो कि यह इनकी व्यवस्था इसी रूप में है। हाँ, कल ही भैया ने पूछा था इस प्रश्न को, हम लोग ध्यान से सुनो, प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न है, जीव अस्तिकाएं हैं, जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, जीव पदार्थ है। अरे एक में ही रख देते महाराज, चार चार बार क्यों रख रहे हो, एक एक कम कम हो जाते। अस्तिकाएं में रख देते तो जीव द्रव्य नहीं रखना पड़ता, तो द्रव्य कितने हो जाते, पांच हो जाते। बार बार क्यों रख रहे हैं, इन्होंने प्रश्न अच्छा पूछा, आपको भी ये प्रश्न उठना चाहिए था लेकिन नहीं आया, ठीक है। अब उसका उत्तर समझो, यह एक प्रकार की मात्र कथन पद्धति है या कहो विवक्षा है। जब किसी वस्तु को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चारों की अपेक्षा कथन किया जाता है, तो तब जब वस्तु का अलग अलग अपेक्षाओं से कथन होता है तब वस्तु अलग अलग कही जाती है। जैसे जब वस्तु को क्षेत्र की अपेक्षा कथन करेंगे कि वस्तु कितने स्थान को घेरती है, तब उसे क्या कहते हैं, अस्तिकाय। हेलो, इसमें आवाज आ रही है, इसको ये उनको दे दो, ध्यान से फिर से क्या विषय चल रहा है। जब किसी वस्तु की क्षेत्र की अपेक्षा चर्चा होती है तब वो क्या कहलाती है, अस्थि। जब किसी वस्तु का परिणमन की अपेक्षा कथन होता है तब वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। और जब किसी वस्तु का भाव की अपेक्षा कथन किया जाता है तब वो तत्व कहलाता है। और जब किसी भी द्रव्य का काल की अपेक्षा वर्णन किया जाता है तब वो पदार्थ कहलाता है। हाँ, इसीलिए इसको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा ये चलना, ठीक है। एक बार पुनः फिर से, जब क्षेत्र की अपेक्षा कथन हो तो अस्तिकाय, जब परिणमन की अपेक्षा या द्रव्य की अपेक्षा कथन हो तो द्रव्य, जब काल की अपेक्षा कथन हो तो पदार्थ, और जब भाव की अपेक्षा कथन हो तो तत्व कहलाता है। ऐसे लिख लो, एक तरफ लिखो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, लिखो एक तरफ लिखो, अब लिखना भी हमें सिखाना पड़ता, लिखो एक तरफ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चार चीजें लिख ली। अब उसके सामने लिखो, द्रव्य के सामने लिखो द्रव्य, क्षेत्र के सामने लिखो अस्तिकाय, काल के आगे लिखो पदार्थ, भाव के आगे लिखो तत्व। अब घर में इसकी संगति बिठाते रहना, ठीक है। स्पष्ट हो गया, नहीं हुआ, हो गया, ठीक ठीक, थोड़ा थोड़ा हो गया। चलो आगे, शंका। शंका दर्शन शब्द दृशी धातु से बना है जिसका अर्थ आलोक है, आलोक मतलब देखना, अतः इससे श्रद्धा रूप अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। बहुत अच्छे, देखो प्रश्न पूछ लिया उन्होंने, जिस प्रश्न को किन्होंने उठाया, द्रव्य संग्रह कांड ने द्रव्य संग्रह के अंदर उठाया, कि कहीं आप लोग इस कंफ्यूजन में नहीं रहना कि जो देखने रूप दर्शन था, दर्शनोपयोग था, वो कहीं श्रद्धा के अर्थ में सम्यक दर्शन में ग्रहण नहीं कर लेना, दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रश्न को यहाँ पे उठा रहे, दर्शन शब्द तो दृशी धातु से बनता है जिसका अर्थ होता है देखना, तो फिर आपने यहाँ पे श्रद्धा के अर्थ में कैसे रख दिया। तो उत्तर देते हैं, समाधान, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, धातु नाम अनेक अर्था, ये सूत्र है व्याकरण का कि धातु नाम अनेक अर्था, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, प्रत्येक अर्थ की अपेक्षा उसका अलग अलग कथन बनता है, ठीक है। इसलिए ये मत मानो कि दृशी का एक ही अर्थ है, अतः दृशी धातु का श्रद्धानुरूप अर्थ करने में कोई दोष नहीं है। फिर से शंका, यहाँ दृशी धातु का प्रसिद्ध अर्थ क्यों छोड़ दिया है,
समाधान, मोक्ष मार्ग का प्रकरण प्रकरण होने से। ये उत्तर याद कर लो, जहाँ कोई उत्तर नहीं आता वहाँ महाराज यही उत्तर देंगे, क्या मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से बार बार ये उत्तर आएगा। तत्वों का तत्वार्थों का श्रद्धान आत्मा का परिणाम है, वह मोक्ष का साधन बन जाता है क्योंकि वह भव्यों के ही पाया जाता है, किंतु आलोक चक्षु इंद्री के निमित्त से होता है जो साधारण रूप से सब संसारी जीवों के पाया जाता है, अतः उसे मोक्ष मार्ग मानना युक्त नहीं है। क्लियर हुआ? आज किसी ने प्रश्न किया, महाराज देखने का नाम तो दर्शन सुना था, आपने श्रद्धा का नाम दर्शन क्यों बना दिया? क्योंकि सम्यक दर्शन का अर्थ अच्छी तरह देखना थोड़ी ना होता है, अच्छी तरह विश्वास करना होता है, तो आपने ये अर्थ क्यों किया? तो महाराज ने कहा धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, एक अर्थ नहीं होता कि देखना ही मात्र अर्थ है, नहीं, श्रद्धा करना भी अर्थ हो सकता है। तो उसने फिर प्रश्न किया, महाराज आपने जो अर्थ दर्शन छोड़ दिया देखना, वो क्यों छोड़ा? आचार्य कहते हैं यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रसंग चल रहा है, मोक्ष मार्ग में देखने की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष मार्ग में विश्वास की आवश्यकता है। ठीक है, आगे चलें। अब शंका, फिर प्रश्न उठाते हैं, सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम के स्थान में अर्थ श्रद्धानन इतना कहना पर्याप्त है? देखो शिष्य की बुद्धि कि महाराज आप सूत्र बढ़ा क्यों रहे हो, एक एक अक्षर कम कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि यदि एक सूत्र कम हो जाए तो इतनी, एक सूत्र में एक अक्षर कम हो जाए तो इतनी खुशी होती है जितनी पुत्र की उत्पत्ति पर होती है। एक सूत्र में एक अक्षर कम लिखना पड़े तो वो कह रहे फिर आप अर्थ शब्द छोड़ देते। उत्तर समाधान, इसके अर्थ शब्द के धन प्रयोजन और अविधेय आदि जितने भी अर्थ हैं उन सब के ग्रहण का प्रसंग आता है जो युक्त नहीं है। इसको सुधार लेना कॉपी किताब में, ना गही लिखा है उसको नहीं करना है, यह युक्त नहीं है। अतः अर्थ श्रद्धान केवल इतना नहीं कहा। ठीक है, अर्थ शब्द के क्या क्या अर्थ हैं? धन प्रयोजन और अविधेय, अविधेय मतलब जिसे हम चाहते हैं, तो इतने सारे अर्थ हैं, तो इन अर्थों को ग्रहण नहीं हो जाए कि अर्थ श्रद्धानम, तो कोई कहने लगे रुपया पैसे की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तो कोई कहे जो हमें चाहिए उसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तो कोई कहेगा अपने अपने प्रयोजन की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। आचार्य कहते नहीं, ऐसा नहीं, तत्व के अर्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। ऐसा मजबूत करने के लिए तत्व और अर्थ दोनों शब्द रखे। अब देखो और प्रश्न पूछता है, शिष्य कहता है भगवान शंका, तब तत्व श्रद्धान इतना ही ग्रहण करना चाहिए था, अर्थ शब्द छोड़ देते। जब आपको तत्व ही ग्रहण कराना था तो तत्व शब्द ही रख देते, आपने अर्थ शब्द क्यों रखा? समाधान, इससे केवल भाव मात्र के ग्रहण का प्रसंग होता प्राप्त होता है। कई ज्ञानी जीव ये कहते कि यह तो किस चीज़ का ग्रहण हुआ? मात्र भाव का, क्योंकि तत्व क्या है? भाव, भाव नहीं, भाव का प्रयोजन पकड़ना है। इसलिए आचार्य आगे कहते हैं, कितनी ही लोग वैशेषिक आदि क्या कहते हैं, तत्व से सत्ता द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व इत्यादि ग्रहण करते हैं। अब यदि सूत्र में तत्व श्रद्धान इतना ही रहने दिया जाता तो इससे इन सबका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन प्राप्त होता जो युक्त नहीं है। क्योंकि तत्व शब्द अकेली जैनों के यहाँ नहीं है, अन्य वैशेषिक आदि ने भी इसे स्वीकार किया है, और भी वैशेषिक आदि किसे क्या मानते हैं? सत्ता के अर्थ में मानते हैं, द्रव्यत्व के अर्थ में मानते हैं, गुणत्व मानते हैं और कर्मत्व, इन शब्दों का अर्थ तत्व मानते हैं। तो यदि हम ये लिख देते कि तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो ये तो उनका तत्व ग्रहण हो जाता, तो गड़बड़ हो जाता, इसलिए हमने ये नहीं बनाया। फिर क्या किया तो बताते हैं, अथवा तत्व शब्द एकत्ववाची है, इसलिए सूत्र में केवल तत्व पद के रखने से सब अर्थ सर्वथा एक है, इस प्रकार स्वीकार करने का प्रसंग प्राप्त होता।
कुछ लोग कहते हैं तत्व का अर्थ है एक, अगर ऐसा करते तो तत्व का श्रद्धान अर्थात किसी एक की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन हो जाता, इसलिए उसे हमने नहीं रखा। यह सब दृश्य व अदृश्य जगत जगत पुरुष रूप ही है, पुरुष स्वरूप ही है, ऐसा किन्हीं ने माना भी है, किंतु ऐसा मानने पर प्रत्यक्ष और अनुमान से विरोध आता है। अतः इन सब दोषों को दूर करने के लिए सूत्र में तत्व और अर्थ इन दोनों पदों का ग्रहण किया है। ठीक है, किसी ने संपूर्ण जगत दृश्य और अदृश्य को एक मान लिया है कि ये तो सब उस ब्रह्मा की कल्पना है या उस तत्व स्वरूप है, ऐसा ना मानने लगे कोई, इसीलिए तत्व और अर्थ दोनों शब्दों को रखा है। सम्यक दर्शन दो प्रकार का, आप देखो यहाँ से थोड़ा सा नया प्रसंग चालू होगा लेकिन आचार्य ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, मात्र प्रसंग चालू किया लेकिन इसका विस्तार आचार्य महाराज ने नहीं किया। सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, एक सराग और एक वीतराग। प्रसम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य आदि की अभिव्यक्ति लक्षण वाला सराग सम्यक दर्शन है और आत्मा की विशुद्धि मात्र वीतराग सम्यक दर्शन है। ये पंक्ति इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लो पेज नंबर 7 पर। तद्विविधम वीतराग सराग विषय भेदात प्रशम संवेग अनुकंपास्तिकादि आस्तिकादि अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम आत्मविशुद्धि मात्रम इतरत। ये पंक्ति अंडरलाइन कर लो, हिंदी में नीचे कर लो। सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। प्रथम संवेग प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिकादि की अभिव्यक्ति लक्षण वाला सराग सम्यक दर्शन है और आत्मा की विशुद्धि मात्र का नाम वीतराग सम्यक दर्शन। ठीक है, इसको स्पष्ट समझ लेना। ये जितनी भी लोग आत्मानुभूतियों की चर्चा करके और भटका देते हैं, ये सराग और वीतराग में बहुत लड़ाइयाँ चलती हैं। हाँ, इसीलिए तो हम आपको ये विषय बता रहे हैं कि इसमें बहुत संभल के काम करना, ये विषय बहुत ज़्यादा उलझाएगा, क्योंकि वर्तमान में मिथ्यामतियों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। मिथ्यामति क्यों कह रहे हैं भैया जी? क्योंकि जब एकांत से किसी वस्तु का कथन किया जाता है तो आचार्य उसे द्रव संग्रहकार एकांत को मिथ्यात्व लिखते हैं, इसीलिए वे उन्होंने क्या किया, वीतराग और सराग को दो भेदों में बाँट कर चौथे गुण स्थान में ही दो भेद कर दिए। ठीक है, लेकिन ऐसा किसी भी आचार्य का अभिप्राय नहीं है, क्योंकि इसी ग्रंथ में आगे और राजवार्तिक आदि ग्रंथों में प्रवचन सार समय सार आदि की टीका ग्रंथों में आचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा, वीतराग चारित्र का अविनाभावी है, मतलब बिना चारित्र के वीतरागता नहीं होती। चारित्र कौन से गुण स्थान में होता? छठवें गुण स्थान में। तो एक देश नहीं, संपूर्ण, क्योंकि यहाँ तो पूरे की बात चल रही है, प्रसंग पूरे का चल रहा है। मैंने आप तो ये कह दो कि अगर मार्गनाश की अपेक्षा लगाओगे तो पहले में भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं लगाना। प्रसंग जो चल रहा है, प्रसंग बस प्रसंग की चर्चा करनी है। तो उन्होंने कहा कि वीतराग किसका अविनाभावी है? चारित्र का। तो चारित्र कहाँ होगा? छठवें गुण स्थान। जब छठवें गुण स्थान में होगा तो वीतराग सम्यक दर्शन भी छठवें गुण स्थान में मानना होगा, क्योंकि वो उसका क्या बन गया? अविनाभावी। अविनाभावी मतलब एक के होने पर दूसरा होता है या एक के ना होने पर दूसरा नहीं होता। ठीक हो गया। तो अगर कोई पूछे सराग सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान में होता? चौथे में, और वीतराग किस में होता? ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं करना, क्योंकि इसमें आत्मविशुद्धि मात्रम ऐसा कह दिया आचार्य ने कि आत्मा की विशुद्धि मात्र का नाम क्या है? वीतराग सम्यक दर्शन है। और शराग प्रशम संवेग आस्तिक्य और अनुकंपा, ये जो चार गुण हैं यही हमारा सराग सम्यक दर्शन है। तो
कैसे समझें इनको, तो पहले देखो सबसे पहला शब्द है प्रशम। प्रशम का अर्थ है कषायों का शांत होना। लिख लो कॉपी में चारों गुणों का सामान्य लक्षण, चारों कषायों का शांत होना। शांत होने का मतलब यहाँ उपशम नहीं लेना, उपशमन बहुत खतरनाक वाला नहीं, शांत होना मात्र, शांति से रहना। कषाय का जब उदय आए तो अपने आप को शांत बनाने का पुरुषार्थ करना, मंद कषाय करना। फिर दूसरा है संवेग। संवेग के दो अर्थ, पहला संसार से भयभीत होना, दूसरा अर्थ धर्म और धर्म के फल में आनंद होना। संवेग के दो अर्थ हैं, धवलाकार ने इसके दो अर्थ किए। सामान्य से एक ही अर्थ है भयभीत होना, लेकिन षटखंडागम में 16 कारण भावनाओं की चर्चा करते हुए आचार्य ने संवेग का एक अर्थ और किया। क्या किया? धर्म और धर्म के फल में प्रशंसा होना, आनंदित होना, उत्साहित होना कि देखो धर्म का कार्य है, चलो वहाँ चलते हैं, शिविर लग रहा है, उत्साहपूर्वक पढ़ेंगे। क्यों? धर्म का काम है, इसीलिए चलो विधान हो रहा है, आज पुण्य अर्जन अपन कर लेते। क्यों? धर्म का काम है। कभी कभी धर्म के काम में कुछ भी ना मिले तो भी पहुँच जाओ। क्यों पहुँच जाओ? हमारे निमित्त से चार लोग और आएंगे, इसलिए जाना। प्रीति नहीं होती, ठीक। तो दोनों बात एक ही में आ गई संवेग शब्द में, कि संवेग का अर्थ संसार से भीति डर होना, और दूसरा धर्म से प्रीति, धर्म में प्रेम होना, धर्म में, धर्मात्मा में और धर्म के फलों में प्रेम होना। इसके विषय में यदि आपको पढ़ना हो तो एक किताब है बहुत प्यारी, तिथियर भावना। क्या नाम है किताब का? मुनि श्री प्रणम सागर जी की। उसमें उन्होंने अविक्षण संवेग नाम की जो भावना है 16 कारण में, उसके अंदर इसकी विस्तार से चर्चा की है। इतना गजब का, अगर आप एक बार उसको पढ़ लोगे तो आपको धर्मात्मा को देखते ही हृदय में एक प्रकार का आनंद छा जाएगा। आपको धर्म और धर्म के कार्यों में ऐसा उत्साह आएगा, जैसे अभी आप उगते हो ना धर्म के कार्यों में, सो जाते हो, नींद आने लगती है, वो नींद हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे वो पूज्यपाद आचार्य महाराज, पूज्य प्रणम सागर जी। इसलिए आपको एक बार उस किताब को जरूर पढ़ना है, सबको अपने जीवन में एक बार। तिथियर भावना, तिथियर भावना, तिथियर ता में छुट्टी की माता, ती आदा ता और था, तिथ और या और रा, तिथियर भावना या भावना चलती है, अभी चल रही है, ठीक है। ऑनलाइन में अभी आपको उतना विषय स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक बार किताब वो रख लो, जीवन भर काम में आएगी, और उसको जितनी बार आप पढ़ोगे ना उतना आनंद आएगा, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। स्पष्ट हुआ विषय? आगे चलें। हाँ, ये दो हुए, प्रथम हुआ संवेग हुआ, अब है तीसरा आस्तिक। पहला पहले अनुकंपा, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव। जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव, और अंतिम आस्तिक्य, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा रखना। जीव मात्र पर करुणा, इसका नाम है अनुकंपा। जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा रखना या अस्तित्व को स्वीकार करना, इसको कहते हैं आस्तिक्य, श्रद्धा। भगवान ने जो कहा हम उसकी श्रद्धा करते हैं। हमें दिख नहीं रहा है, नंदीश्वर नहीं दिख रहा है, विदेश क्षेत्र नहीं दिख रहा है, तीर्थंकर भगवान नहीं दिख रहे हैं, केवली सुत केवली नहीं दिख रहे हैं, पुण्य पाप का फल नहीं देख पा रहे हैं, व्रत उपवास चारित्र का फल नहीं दिखाई पड़ रहा है, फिर भी इन पर श्रद्धा करना कि भगवान ने ऐसा कहा है तो ऐसा है, ठीक है, कि भगवान ने ऐसा कहा है तो ऐसा है, इसका नाम है श्रद्धा। उसको धारण करना, ये निर्गंत मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है, मैं इसकी श्रद्धा करता हूँ, फिर मुझसे ये ग्रहण करते नहीं बन रहा है, इसलिए मैं श्रावक धर्म स्वीकार करता हूँ, ऐसा। ये नहीं कहने लगना कि हम मोक्ष नहीं जा रहे हैं, पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जाता, इसलिए मुनि नहीं बनना। मुनि बनने से कौन सा फ़ायदा है बोलो, गिनवाओ। कहोगे भैया जी इतनी गर्मी में
एक टाइम भोजन पानी, गर्मी में पंखा एसी की सुविधा नहीं मिलना, नहाने की व्यवस्था नहीं है, रोटी पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, चौके नहीं लग रहे हैं, इतनी सारी असुविधाएं, इससे अपन तो महाराज नहीं बोल नहीं। ये भगवान के द्वारा कहा गया ये मार्ग है, इसलिए मैं इसकी श्रद्धा कर, ठीक है। तो ऐसी श्रद्धा आपकी जीवन में भी बनी रहे, ठीक हो गया। आगे चलें, चल आगे। यहाँ पे विशेषार्थ दिया हुआ है, ये है ना। इस विशेषार्थ को आप अपने घर पे पढ़ेंगे, सारे विशेषार्थ आपको स्वयं पढ़ने, उसमें जो समझ में नहीं है वो फिर हमसे पूछ लेना।